गाइस आज के टाइम पर एक बेस्ट स्मार्टफोन सेलेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो चुका है, उतना ही ज़्यादा एक बेस्ट डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन को सेलेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो चुका है, क्योंकि एक दो टाइप्स के डिस्प्ले नहीं है, बहुत सारे टाइप्स के डिस्प्ले हैं। तो उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि आखिर में कितने सारे टाइप्स के डिस्प्ले होते हैं, लेकिन मार्केट में आपको जनरली तीन ही टाइप के डिस्प्ले ज़्यादातर देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहला TFT डिस्प्ले, दूसरा IPS LCD डिस्प्ले और तीसरा AMOLED डिस्प्ले, और अब तो सुपर AMOLED भी आ चुका है। तो आखिर में सवाल ये आता है कि आपको कौन सा डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन लेना चाहिए, क्या आपको TFT डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन लेना चाहिए या फिर IPS LCD डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन लेना चाहिए या फिर AMOLED डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन लेना चाहिए, और आपके आंखों के लिए कौन सा डिस्प्ले बेस्ट रहेगा, क्योंकि आज के टाइम पर बहुत सारे डिस्प्ले हैं और उन सभी डिस्प्ले के लाइट से आपके आंख भी खराब हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपको कौन सा डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन लेना चाहिए। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है अनिक, आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में। गाइस अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकन ऑन कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन कीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं TFT डिस्प्ले से, यानी कि थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। बेसिकली ये भी एक LCD टाइप डिस्प्ले है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ लेयर बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब कि एक लेयर के ऊपर एक लेयर, एक लेयर के ऊपर एक लेयर, कुछ इस तरीके से इनका लेयर होता है, और जो लास्ट का लेयर होता है उसे बोला जाता है बैक लाइट पैनल, और वहां से व्हाइट कलर का लाइट निकलता है और सीधा फोकस होता है RGB फिल्टर पर, यानी कि रेड, ग्रीन, ब्लू, और इन तीन कलर को मिला करके पूरे कलर बनते हैं, और जैसे ही RGB फिल्टर से लाइट पास होता है तो सीधा फोकस होता है पिक्सल पर। अब डिपेंड करता है कि आपका स्मार्टफोन का स्क्रीन साइज कितना है, जितना ज्यादा स्क्रीन साइज होगा उतना ज्यादा नंबर ऑफ पिक्सल होंगे, मिलियन में भी पिक्सल होते हैं, तब जाकर के वहां पे पिक्सल को कैलकुलेट किया जाता है और आपके सामने वीडियो या फिर इमेज दिखाई देता है। तो कुछ इस तरीके से LCD डिस्प्ले काम करता है, लेकिन सबसे बड़ा TFT डिस्प्ले का डिसएडवांटेज ये है कि ओल्ड टेक्नोलॉजी का डिस्प्ले है, और जितना लो रेंज का डिवाइस आता है उनमें ज्यादातर आपको TFT डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे TFT डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन में अगर 5 लोग मूवी देखते हैं तो जो साइड से मूवी देख रहा है उनको कुछ नहीं दिखेगा, वहां पे उनको घोष तरीके से जो भी वीडियो है या फिर इमेज दिखेगा या फिर थोड़ा बहुत उनको ग्लिच टाइप का क्वालिटी देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर आप ATM में जाते हो पैसे निकालने, तो जितने पुराने ATM होंगे अगर उसके डिस्प्ले को अगर आप साइड से देखोगे तो वहां पे आपको थोड़ा बहुत ग्लिच टाइप या फिर घोष टाइप का दिखाई देगा, तो वो एक्चुअली TFT डिस्प्ले है। तो TFT डिस्प्ले बहुत ही पुराना टेक्नोलॉजी का डिस्प्ले है, साथ ही में TFT LCD डिस्प्ले काफी ज्यादा सस्ता है। अगर आपके स्मार्टफोन के अंदर TFT LCD डिस्प्ले लगा हुआ है, अगर वो डिस्प्ले टूट जाता है तो आप उसको एकदम चीपेस्ट प्राइस के अंदर रिप्लेसमेंट करा सकते हो। लेकिन सबसे बड़ा TFT LCD डिस्प्ले का डिसएडवांटेज ये है कि जो इसके अंदर बैकलाइट पैनल होता है वो बहुत देर तक ऑन रहता है, यानी कि जब तक आपका स्मार्टफोन का डिस्प्ले ऑन रहेगा तब तक वो बैकलाइट से लाइट निकलते रहता है, तो ऐसे में आपका बैटरी काफी ज्यादा खर्च होगा, और यहाँ पे आप TFT LCD डिस्प्ले के अंदर पिक्सल को क्लोज नहीं कर सकते हो, तो इससे आपका बैटरी और ज्यादा खर्च होगा। तो यहाँ पे अगर आपके पास एक TFT डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन है तो आपके स्मार्टफोन के अंदर बैटरी एमएच बहुत ज्यादा होना चाहिए, लेकिन अगर आप एक नया स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप एक TFT LCD डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन खरीदे। वहीं पर अगर हम बात करते हैं IPS LCD डिस्प्ले के बारे में, यानी कि इन पैनल स्विचिंग, बेसिकली ये भी एक LCD टाइप डिस्प्ले है, और जितने सारे आपको लेयर मिलते हैं TFT LCD डिस्प्ले के अंदर वही सब लेयर आपको IPS LCD डिस्प्ले के अंदर मिलता है, लेकिन यहाँ पे TFT डिस्प्ले के मुकाबले काफी ज्यादा इंप्रूव किया गया है IPS LCD डिस्प्ले के अंदर, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ लेयर उतना ही ज्यादा होते हैं जितना कि आपको TFT डिस्प्ले के अंदर मिलता है, लेकिन यहाँ पे IPS LCD डिस्प्ले के अंदर RGB फिल्टर के जस्ट बगल में एक पैनल लगाया गया है, एक लेयर लगाया गया है जिसका नाम है इन पैनल स्विचिंग। बेसिकली इसका काम ये होता है कि जितने भी आपको TFT डिस्प्ले के अंदर घोस्ट या फिर ग्लिच टाइप के क्वालिटी देखने को मिलते थे वो दिखना यहाँ पे बंद हो चुका है। यहाँ पे अगर आपके स्मार्टफोन के अंदर IPS LCD डिस्प्ले लगा हुआ तो आप वहाँ पे थोड़ा बहुत साइड करके देखना, आपको बिल्कुल भी घोस्ट या फिर ग्लिच क्वालिटी देखने को नहीं मिलेगा। और जितने भी आपको मिड रेंज के स्मार्टफोन मिलते हैं ज़्यादातर उन सभी स्मार्टफोन में IPS LCD डिस्प्ले होता है, लेकिन सबसे बड़ा एडवांटेज यही है IPS LCD डिस्प्ले का कि जो चीज़ आप नेचुरल में अपने आँखों से देखते हो वही सब चीज़ आप IPS LCD डिस्प्ले के अंदर देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे ब्लैक कलर को बिल्कुल भी IPS LCD डिस्प्ले नेचुरल नहीं बनाता है, क्योंकि इसमें RGB फिल्टर का यूज करके कलर को मिक्सिंग करके यहाँ पे आपके सामने ब्लैक कलर दिखाया जाता है। तो अगर आपके पास IPS LCD डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन है तो सबसे पहले अपने स्मार्टफोन के वॉलपेपर पर आप
आपको ब्लैक कलर का वॉलपेपर सेट करना है, उसके बाद अपने आंखों के पास में अपने स्मार्टफोन को ले जाना है। तो आप साइड से देखोगे ना तो वहाँ पे आपको हल्का हल्का व्हाइट कलर दिखाई देगा, मतलब कि प्रॉपर वो ब्लैक कलर का वॉलपेपर नहीं होगा। तो इससे पता ये चलता है कि जो आपका स्मार्टफोन है उसके अंदर IPS LCD डिस्प्ले लगा हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप IPS LCD डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो तो सारे फंक्शन उसी तरीके से होंगे जिस तरीके से TFT LCD डिस्प्ले के अंदर होता है, और यहाँ पर भी आपका बैटरी बहुत ज़्यादा खर्च होगा। जब तक आपका डिस्प्ले ऑन रहेगा स्मार्टफोन का तब तक यहाँ पे बैक लाइट पैनल से लाइट पास होते रहेगा, तो यहाँ पर भी आपका बैटरी काफ़ी ज़्यादा खर्च होगा। वहीं पर अगर हम बात करते हैं AMOLED डिस्प्ले को लेकर के, तो TFT LCD डिस्प्ले और IPS LCD डिस्प्ले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया गया है AMOLED डिस्प्ले के अंदर, मतलब कि एकदम ये एडवांस टेक्नोलॉजी का डिस्प्ले है। और आज के टाइम में जितने भी आपको फ्लैगशिप स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं उन सभी स्मार्टफोन के अंदर AMOLED डिस्प्ले का ही यूज किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया है कि LCD डिस्प्ले के अंदर एक बैकलाइट पैनल होता है और वहाँ से सीधा लाइट पास होता है RGB फिल्टर पर, लेकिन यहाँ पे AMOLED डिस्प्ले के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे नंबर ऑफ लेयर होते हैं लेकिन बहुत ही कम लेयर होते हैं, और यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर ही बैकलाइट को फिट किया गया है और उसी के अंदर ही RGB फिल्टर है, साथ ही में पिक्सल को भी लगाया गया है। इसका फायदा यही है कि जो आपका बैटरी है वो बहुत ज़्यादा बचता है, और यहाँ पे आपको सबसे बड़ा एडवांटेज देखने को मिलता है कि नंबर ऑफ पिक्सल को आप क्लोज कर सकती हो, मतलब कि आपको जितना एरिया में पिक्चर देखना है उतना ही एरिया का पिक्सल ऑन होता है, बाकी और पिक्सल को क्लोज कर दिया जाता है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा है कि जो आपका बैटरी है वो बहुत ही कम खर्च होता है। लेकिन यहाँ पे आपको AMOLED डिस्प्ले के अंदर में बिल्कुल भी आपको नेचुरल चीज़ें नहीं दिखाई देती है, मतलब कि यहाँ पे ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और सैचुरेशन को माइनस प्लस करके आपको इमेज दिखाई देता है, और यहाँ पे ब्लैक कलर आपको एकदम बिल्कुल नेचुरल दिखाई देता है। मतलब कि जब आप स्क्रीन पर ब्लैक कलर को सेट करोगे और उसके बाद आप ऑन करोगे अपने स्मार्टफोन को तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा स्मार्टफोन है ऑन है कि ऑफ है। तो यहाँ पे ब्लैक कलर के मामले में AMOLED स्क्रीन नंबर वन है, आपको एकदम नेचुरल तरीके से ब्लैक कलर दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल भी नेचुरल और सारी चीज़ें नहीं दिखाई देंगी, जैसे कि जितने भी कलरफुल चीज़ होंगे वो सभी आपको नेचुरल दिखाई नहीं देती हैं। और साथ ही में आपके आंखों के लिए बहुत ही अच्छा ध्यान रखा गया है AMOLED डिस्प्ले को लेकर के, क्योंकि इस डिस्प्ले के अंदर से जो ब्लू लाइट निकलता है वो बहुत ही कम मात्रा में ब्लू लाइट निकलता है, जिससे आपके आंखों को कम इन्फेक्ट करता है। तो यहाँ पे अगर आप अपने आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो तो आप हमेशा AMOLED डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन ही परचेस करें, और यहाँ पे आपको बैटरी भी कम खर्च देखने को मिलता है AMOLED डिस्प्ले के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप एक बेस्ट स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो वो भी डिस्प्ले के मामले में, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप AMOLED डिस्प्ले वाला ही स्मार्टफोन खरीदें। तो यहाँ पे आपको समझ में आ चुका होगा कि आखिर में TFT LCD डिस्प्ले क्या होता है, IPS LCD डिस्प्ले क्या होता है और AMOLED डिस्प्ले क्या होता है, और इन तीनों डिस्प्ले के अंदर में डिफरेंट क्या है। तो आप हमें कमेंट बताइएगा कि आपके स्मार्टफोन के अंदर कौन सा डिस्प्ले लगा हुआ है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया वीडियो को जो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन ऑन कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट में राशि बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।